Case. So, hello everyone, how are you all guys? Are we live over here? जल्दी से मुझे बता दीजिए बच्चा पाड़ी, क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं या नहीं? यस एवरी वन ओवर हियर एंड यस वी आर लाइव. सो बच्चा पाड़ी, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग. हम लोगों ने कितने एमसीक्यूज कर लिए हैं, कोई मुझे बता सकता है? हाउ मेनी एमसीक्यूज वी हैव डन टिल डेट, कोई मुझे बता सकता है? यस गुड मॉर्निंग शाहिद, गुड मॉर्निंग तुषार, गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग करण, गुड मॉर्निंग प्रणय, देन मुयेश, जीतू, अनुराधा, दिया, विवेक, रोशनी, रिया, धर्मवीर कौर, देन अंजलि एंड शालू, देन देन टोनी, देन तुषार, स्नेहा जी, देन वी हैव परी, सुनील कुमार, हमजा, तुषार, बहुत सारे तुषार लग रहा है मेरे को यहाँ पर. दो तुषार दिख रहे हैं या तीन तुषार, आई डोंट नो. थंडर गेमिंग, जोया, स्वीटी, सुंदरम, आदित्य यादव, देन 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 तेजस. दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग. ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है? बच्चे क्या लेट ज्वाइन कर रहे हैं? लेट ज्वाइन कर रहे हैं. कितने हो गए अभी? 118. ऐसे कैसे? इट शुड बी मोर, इट शुड बी मोर राइट? 200 प्लस हो जाना चाहिए, 125 हो गए. ठीक है, 126. चलिए 200 प्लस होने चाहिए यार, मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, ओके ओके. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आ रहे हैं सर जी, अटेंडेंस लगा दो भाई, सब लोग बराबर कह रहे हो. स्नेहा जी ठीक है, ओके सर, अमेजिंग. सर आप मेरे को भूल गए? हाँ बेटा सुमित, तुम्हें भूल गए थे हम. यस चलिए चलिए. हैप्पी गुप्ता, हैप्पी गुप्ता, हैप्पी. चलिए चलिए चलिए, ओके इज 142. अरे काहे काहे कर रहे हो बे, काहे कर रहे हो बे? 150, ओके. अटेंडेंस लगा दीजिए फटाफट से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चा पार्टी. चलिए, कुछ बच्चे तो लॉस्ट इन ट्रांजिट वैसे भी हो ही जाते हैं, लॉस्ट इन ट्रांजिट तो होते ही हैं, पता नहीं क्यों, बट यस. तो आज हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के, बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 खत्म करने वाले हैं. ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 खत्म करने वाले हैं. हम लोगों ने पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. ठीक है सर, आज स्मार्ट लग रहे हैं. थैंक यू भाई सुमित, सुमित तो बहुत मक्खन लगाता है यार, मतलब ठीक है. चलिए कोई ना, कोई बात नहीं है. थैंक यू बेटा, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ओके. हाँ तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 खत्म, बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 खत्म, बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 खत्म, बिजनेस इकोनॉमिक्स का आज होगा चैप्टर नंबर 5, बी सी के का चैप्टर नंबर 4 खत्म, बी सी के का चैप्टर नंबर 5 खत्म, बी सी के का चैप्टर नंबर 6 खत्म, बी सी के का चैप्टर नंबर 1 भी खत्म. आज अपन ये करने वाले हैं. ठीक है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितना कुछ हो चुका है हमारा. अरे भैया अमेजिंग 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 अमेजिंग, मज़ा आ भी गयो. ठीक है, तुम लोगों को समझ रहा है क्या कॉन्फिडेंस तुम्हारा, तुम लोगों का मजाक मजाक में कितना कुछ कंप्लीट हो गया है ब्रो, मजाक मजाक में बता रहे हैं हम तुमको. यहां पर यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 भी खत्म, यहां पर यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 खत्म, यहां पर यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 खत्म. अब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ओनली एंड ओनली. आज के बाद तुम्हारा मार्केट्स बचेगा और बीसीके में तुम्हारा क्या बचेगा? बीसीके चैप्टर नंबर कौन सा? 2 एंड बीसी के चैप्टर नंबर 3. ओ माय गॉड गाइस 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 गाइस, ओनली एंड ओनली बीसी के चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 बचेगा. दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑसम.
राइट। सो हम आपको बताना चाहते हैं आज है 11th लेक्चर, ठीक है, आज कितना है 11th लेक्चर, ठीक है, फिर ये होगा तुम्हारा चैप्टर नंबर बीसी के चैप्टर नंबर 2 12th लेक्चर में, बीसी के चैप्टर नंबर 3 13th लेक्चर में, ठीक है, और मार्केट्स को लिए 2, 14, 15 या फिर 16, मतलब 16 लेक्चर में तुम्हारा सारा 600 एमसीक्यू खत्म। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मैं तुम लोगों का सब कुछ 600 एमसीक्यूज रेगुलरली कंप्लीट करवा दूंगा। देखो बच्चा पार्टी, मैं अपने वादे पे एकदम 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 कायम हूं, मैं अपना वादा निभा रहा हूं। क्या तुम लोग अपना वादा निभा रहे हो? क्या तुम लोग रेगुलरिटी में हो? रिकॉर्डेड बच्चों सुन लो, कुछ कुछ लॉस्ट इन ट्रांजिट वालों बच्चों सुन लो, पहले ही बता रहा हूं मैं, मेरी कंसिस्टेंसी काम नहीं आएगी, तुम्हारी कंसिस्टेंसी बहुत काम आएगी। तुम लोगों को रेगुलरली पढ़ाई करनी होगी, तुम लोगों के जिंदगी में कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हो गए, डिस्ट्रैक्शंस, दोस्त, दोस्ती, ठीक है, ठीक है, जो कुछ भी है, आप लोगों को अपने आप को संभालना होगा, आप लोगों को रेगुलर होना होगा। तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे लिए बहुत सारा मटेरियल कवर कर रहे हैं, बहुत सारा पढ़ाई करवा रहे हैं, बहुत सारा रिवीजन करवा रहे हैं। अगर तुम लोगों ने फिर भी नहीं किया और तुम लोग सिर्फ बातें ही करते रह गए, अरे 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 सुनना भाई, सुनना ब्रो, ये वाला नोट्स लेने का है क्या, वो वाला नोट्स लेने का है क्या, स्कैनर करने का है क्या, नहीं करने का है क्या, यही बातें करते रह जाओगे तो पीछे रह जाओगे बच्चा पार्टी। ऑन द गो पढ़ाई कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए। स्टे विद द पॉजिटिव लाइक माइंडेड पीपल ओवर देयर गाइज एंड यू आर गोना क्रैक इट ओवर हियर, बिकॉज तुम्हारे साथ तुम्हारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हमेशा रहेंगे साथ में एग्जाम के आखिरी दिन तक। मेरा लास्ट पेपर होता है ना, मैं आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ रहूंगा, एंड ऑफ द डे, लास्ट पेपर के दिन तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, लास्ट पेपर, ठीक है, yes. समझ में आ रहा है बच्चा पाड़ी? हो गया है 216 हो गए हैं बच्चे, ओके चलिए, अमेजिंग। तो लाइक वाइक कौन करेगा भैया? 200 लाइक कर दो फटाफट, कम ऑन, चलिए। सो देखो यार, मैं अपने वादे पे एकदम कायम हूं और मेरे हिसाब से 15 लेक्चर या 16 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सेफर साइड 15 से 20 दिन बोला था, लेकिन हम लोग टारगेट पकड़ कर एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत मजा आने वाला है। ये 600 एमसीक्यूज तो हो जाएंगे यार, लेकिन तुम लोग जो भी प्लस वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग, तुम्हारी मंडे से नई जर्नी शुरू होने वाली है। 1400 एमसीक्यूज हम लोग करने वाले एमटीपी के सारे, उसके बाद तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल आसमान में होगा, ठीक है। और जो बच्चे नहीं है वो बच्चे कर सकते हो, अपने आप से कर लो एमटीपी वगैरह बच्चा पार्टी, ठीक है। चलिए कंजूस बच्चों, तुम जितनी कंजूसे यहां पे करोगे उतनी कंजूसे भगवान देख रहा है बच्चा पार्टी, भगवान देख रहा है कि डागा टेन कितना कितना कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं और बच्चे कंजूसी कर रहे हैं। चलो इसको 2 मार्क कम करता है, चलो इसको 3 मार्क कम करते हैं, भगवान भी कंजूसी करेगा बेटा, देख लो। नहीं सोच लो भाई, ठीक है, सोच लो भैया, अब देखो कैसा 200 प्लस होता है, अब देखो कैसा 200 प्लस होता है। देखो, मतलब तुम लोग ना बड़े कैसे हो यार, मतलब बड़े कंजूस हो तुम लोग, ठीक है। तुम लोग का डरा है तो तुम लोग लाइक करते हो, अदरवाइज तुम लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। सर अंडे इन्फ्लुएंस मत करो, सर अंडे इन्फ्लुएंस है ये, सर दिस इज नॉट राइट सर, गलत बात है सर ये, ओके चलिए, ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चा पार्टी, शुरुआत करते हैं यार। मतलब ये सिर्फ एक बार लिख लो कहीं पर तो देख लो, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है कि हाँ भाई पढ़ाई तो करी अपन ने, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे एग्जाम में, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है, ओके। देखो कैसे लाइक बढ़ गया, देखो फटाफट। चलिए सो पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बच्चा पाड़ी, हियर वी गो, समथिंग जस्ट लाइक दिस, द टर्म बिजनेस साइकिल रिफर्स टू अप्स एंड डाउन्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, द लेवल ऑफ द फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड डिमिनिशिंग रेट ऑफ सेविंग्स। सो बताइए व्हाट इज गोना बी द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब।
क्योंकि बच्चा पार्टी ये बिजनेस साइकिल्स के बारे में पूछा है, बिजनेस साइकिल्स के बारे में पूछा है, तो यहां पर फ्लक्चुएटिंग बोला है ना, फ्लक्चुएटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज द राइट आंसर, राइट। तो कुछ ये स्पेसिफिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होता है, ये फ्लक्चुएशंस होते हैं, रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन द बिजनेस एक्टिविटी, इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज नोन एज व्हाट, बिजनेस साइकिल्स। द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सटेंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज बिजनेस साइकिल्स, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, रिकवरी। बताइए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा हेल्थ इशू सही नहीं था तो मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है सर, मैं क्या करूं अभी, स्टार्ट से करना से प्रिपरेशन सही होगा या कि एग्जाम को स्किप कर दो। ओह माय गॉड, समारा सिंह कह रही है, समारा, तो हेल्थ अच्छा नहीं था तो स्किप करना बेटा, बिल्कुल भी स्किप मत करना बेटा, 2 महीना है अभी तक, अभी अगर अच्छी हो गई तबीयत तो फिर पढ़ाई को लग जाओ, हो सकता है पास, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। तो भैया स्किप तो मत करना, स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। यस, मेरी आईडी ब्लॉक कर दीजिए, एक और ब्लॉक करनी है, पुलकित सेट्टी, सच्ची ब्लॉक करनी है, जयपुर वाले पुलकित सेट्टी, कर दूंगा बेटा, ठीक है, कर दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, एक मौका देंगे तेरे को, अदरवाइज कर देंगे, क्यों करनी है बेटा। चलिए, सो यहां पर रिसेशन है, बिल्कुल सही जवाब, द राइट आंसर इज रिसेशन, ठीक है। अब देखना बच्चा पार्टी, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, बच्चा पार्टी यहां पर जनरली गलती करता है, मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक्सीडेंट लिखना है, क्या लिखना है, एक्सीडेंट, क्यों, मैं आपको बताता हूं बच्चे गलती क्या करेंगे, यहां पर बोला है डिक्लाइन इन द जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ता है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अब ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए ये रिसेशन है, अगर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम नहीं रहता था, अगर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम नहीं रहता था तो बच्चा पार्टी यहां पर कॉन्ट्रैक्शन लिखकर आता था, डिक्लाइन देखा पढ़कर आ गए सर हम लोग एग्जाम में, अरे कितना आसान पेपर था वो, पता है आपको सर कौन सा क्वेश्चन पूछा था, डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मैं तो लिखकर आ गया, नहीं, डिक्लाइन ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, एक्सटेंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रिसेशन है, राइट, यस, आर यू गेटिंग इट। तो यहां पर गलती मत करना बेटा, गलती मत करना, ठीक है। ये मैंने स्पेसिफिकली पढ़ाया था, कब, जब हम लोग पढ़ रहे थे ना ये चैप्टर को, तब मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि ऐसा सवाल आ सकता है। यस, अलग केसरी कह रहा है, क्या कह रहा है, मॉड्यूल में कॉन्ट्रैक्शन दिया है, नहीं बेटा कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये है रिसेशन है, एक्सटेंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज रिसेशन, राइट, यस, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए, ओके सर, बी दिया है, अरे भैया बी, देखो समझने की कोशिश करो भाई, तुम लोग यार मतलब क्या, मतलब समझते नहीं हो यार, रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन काहे ऐसा करते हो बे तुम लोग, काहे ऐसा करते हो, क्या है ये, हमका बताइए क्या है ये, नहीं, क्या है ये, ठीक है, समझ में आ गई, कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन का मतलब एक ही है। अब मैं बताता हूं इसका आंसर रहना चाहिए था डिप्रेशन, क्या रहना चाहिए था, डिप्रेशन रहना चाहिए था इसका आंसर, क्योंकि एक्सटेंडेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का आंसर डिप्रेशन होता है, बताते हैं
ये देखना मैं चपाड़ी, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी पुशेस द इकोनॉमी इन टू द फेज ऑफ डिप्रेशन. द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट एंड द सीवियर कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक्सटेंडेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक्सटेंडेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ये देखना, अब ये भी पढ़ लिया, अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. अब देखो रे भैया, अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. नहीं नहीं नहीं, बताता हूं मैं जो आईसीआई ने किया है ना तुम्हारे साथ, धोखा किया है बेटा. मैं बताता हूं तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को बताता हूं, धोखा बताता हूं अभी. ठीक है, मैंने तुमको दोनों बता दिए, दोनों बता दिए. अब देखना, अब देखो यहां पर, अब बुक में हमको क्या दिया गया है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम अगर डिक्लाइन होता है तो इसका आंसर एक्चुअली डिप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन तो सेम ही होते हैं. तो एक्चुअल में यहां पर आंसर होना चाहिए था डिप्रेशन, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है. मैंने आप लोगों को बता दिया कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम रिसेशन, रिसेशन ज्यादा समय तक है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा समय तक है, उसको डिप्रेशन कहते हैं. ये कॉन्ट्रैक्शन के फेज में लिखा गया था. आर यू गेटिंग इट? यस. खत्म. तो ऐसे एम्बिगुअस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है एग्जाम में. हम लोग इसको यहां पर अगर आया तो क्या करें सर, एग्जाम में अगर ये सेम टू सेम आया तो क्या करें, एग्जाम में आ गया सेम टू सेम तो आईसीएआई ने जो आंसर दिया उसके साथ चले जाओ, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन एक्चुअल में ये गलत है, बिल्कुल गलत है. आईसीएआई जो है वो एक बुक, वो एक ईमेल आईडी देता है, तुम्हारे बुक में होगी, तुम्हारे स्टडी मटेरियल में, जहां पर अगर कुछ गलतियां हो जाए हमसे, मतलब उनसे, तो होती है कभी कभी गलतियां, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है, तो तुम लोग हमें ईमेल कर बता दो, तो तुम लोग आईसीएआई को ये वाले क्वेश्चन के लिए वहां पर रेफरेंस देकर पैराग्राफ का, लाइन का, तुम लोग बता सकते हो कि ऐसा ऐसा है, इस पे तुम लोग चेंजेस कर सकते हो. समझा? ओके, गेटिंग डन. तो एक्सीडेंट बराबर था, बिल्कुल बराबर था. समझ में आ गई हो लॉजिकली? ओके. अलीशा इज लाइक, अब ये भी करना होगा? मत करो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करो. मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, कर लिया तो ठीक ही है, कंपलसरी नहीं है. ठीक है, मतलब मत करो बेटा, ये इतना ही कर चले जाओ एग्जाम, इतना भी कर लिया तो भी बहुत है. ठीक है, अब ये भी करना होगा, मत करो भाई. यस, द थ्रॉग ऑफ द बिजनेस साइकिल अकर्स व्हेन डैश हिट्स अ लोवेस्ट पॉइंट, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी हिट्स द लोवेस्ट पॉइंट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट. बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? बताओ. सी इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही जवाब, सी इज द राइट आंसर. थ्रॉग मतलब एकदम लोवेस्ट. तो यहां पर हिट द लोवेस्ट पॉइंट, यस, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट्स नॉट दैट इन्फ्लेशन हिट्स द लोवेस्ट पॉइंट, इट्स नॉट दैट कि मनी सप्लाई हिट द लोवेस्ट पॉइंट, इट्स नॉट दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट हिट द लोवेस्ट पॉइंट, इट्स द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. दैट कैन बी मेनी थिंग्स, दैट कैन बी कंसिस्टिंग ऑफ द मेनी थिंग्स, राइट? यस. The lowest point in the business cycle is referred to as expansion, boom, peak, trough. Oh, this is so simple. इसके ऊपर के क्वेश्चन पर दिया गया है यार, कितना आसान है ये. ओके, D is the right answer. D for Dagatin. Yes, D for Dagatin. ठीक है, द लोएस्ट पॉइंट. मैंने आपको बताया था जब मैं आप लोगों को ये चैप्टर करवा रहा था, तो मैंने आपको क्या बोला, ये चार फेजेस हैं, इन चार फेजेस पर भी सवाल आते हैं. आपको यकीन नहीं हुआ, आप बोलते हो सर इतना सिंपल थोड़ी ना आएगा,
ये वही तो पूछा है, लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है चार फेजेस में से, बताने का है कौन सा लोवेस्ट पॉइंट। कभी सवाल आएगा कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, बता दो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। कभी पूछेंगे कि ये टर्न जो होता है ये कौन से टाइप के इंडिकेटर है, उस पर भी आगे सवाल आएगा। राइट राइट देखो इंडिकेटर पर आ गया सवाल, हम बता रहे थे आपको इंडिकेटर पर भी सवाल आएगा। लीडिंग इंडिकेटर इज अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव अलोंग विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव इन एडवांस ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव कंसिक्वेंट ऑन द लेवल ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नन ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चे पार्टी व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत 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 सिंपल वाला चैप्टर है और यहां पर इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट चैप्टर है। आई वांट यू गाइस कि यहां पर हम लोग बहुत अच्छे से इसको करके जाए कि एक भी हमारा गलत ना हो, ठीक है। यस तो यार लीडिंग मतलब पहले पहले पहले, ठीक है, मतलब द वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव इन एडवांस ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहां पर बच्चा पार्टी अब देखना इसमें रिविजन कैसे होता है। अगर जो along के साथ हो रहा है तो ये क्या होगा concurrent, the tends to move consequent होगा तो ये lagging indicator, right? Lagging indicator. तो आप लोगों को इस तरीके से समझना होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर। अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव later than the aggregate economic activity, it is known as leading variable, coincident variable, lagging variable and cyclical variable. बताइए बच्चा पार्टी क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत ही आसान है, lagging, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो मतलब देखो हमने तुमसे सिंपल सिंपल कहा था इंडिकेटर्स को अच्छे से कर लेना, इंडिकेटर्स पर सवाल आएंगे और इतने सिंपल सवाल है कि डायरेक्टली लीडिंग इंडिकेटर के मीनिंग पर सवाल आया, लैगिंग इंडिकेटर के मीनिंग पर सवाल आया, ठीक है। इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द बिजनेस साइकल्स आर ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विस सेक्टर्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विस सेक्टर्स, कैपिटल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल एंड कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल। सो विच आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द बिजनेस साइकल्स, कम ऑन एवरीवन प्लीज टेल मी द राइट आंसर। ड्यूरेबल सर्विस, नॉन ड्यूरेबल सर्विस, कैपिटल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज, हम लोगों ने फीचर्स में आई गेस देखा था जहां पर कुछ सेक्टर्स ज्यादा अफेक्ट होते हैं, कुछ सेक्टर्स कम अफेक्ट होते हैं। तो एग्रीकल्चर थोड़ा कम अफेक्ट होता है लेकिन कैपिटल गुड्स और जो ड्यूरेबल गुड्स है वो थोड़े से ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो यहां पर ये फीचर्स, ओ माय गॉड, फीचर्स पे से हम लोगों ने ये सवाल देखा था, ठीक है, फीचर्स पे से हम लोगों ने ये देखा था जहां पर हर एक फीचर पर हम लोगों ने एमसीक्यू मार्क किया था, हर एक एमसीक्यू पर, हर एक फीचर पर हम लोगों ने एमसीक्यू बोला था। राइट राइट ओके अमेजिंग, 5000 का पेन गया सर, पास नहीं मिला, ये 10 का है, ये 10 का है, जो लैपटॉप से क्लास देता वो 5 का है, ये बेटा ये और महंगा है बेटा, ठीक है, ये और महंगा है। यस देखते हैं अपन वर्क करता है कि नहीं, चेक करते हैं, ठीक है, चल रहा है 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 चल रहा है, एब्सोल्यूटली वर्किंग गाइस, ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यस ओके चलिए ओके एवरीवन ओवर हियर, एवरीवन ओवर हियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड कॉज टू एग्रीगेट डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू द राइट, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, मूवमेंट डाउन एंड राइट अलोंग विद द एग्रीगेट डिमांड कर्व, मूवमेंट अप एंड लेफ्ट टू द एग्रीगेट डिमांड कर्व, द डिक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड, क्या है इसका सही जवाब। यस यस बताइए क्या है इसका सही जवाब। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के कारण, यहां पर थोड़ा सा डिमांड 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 का चैप्टर याद आ रहा है क्या, कुछ तोरा 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 याद आ रहा है, याद आ रहा है क्या, अरे बताइए, याद आ रहा है,
डिमांड वाला चैप्टर, अदर फैक्टर्स के कारण, अदर फैक्टर्स के कारण, तो यहां पर ये डिक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण. गवर्नमेंट स्पेंडिंग आर द अदर फैक्टर्स, तो अदर फैक्टर्स मतलब देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी शिफ्ट, देयर कैन बी राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट. तो यहां पर डिक्रीज है तो यहां पर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट. ठीक है, यस. तो ये अदर फैक्टर्स में, तो सर ऐसे भी आता है क्या? बिजनेस साइकिल में डिमांड का सवाल पूछ रहे, धोखा है सर ये हमारे साथ? कोई धोखा वोखा नहीं बेटा, ठीक है, कोई धोखा वोखा नहीं, बिल्कुल सही है, पूछ सकते वो लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन फेज? कंज्यूमर परचेसेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स टेंड टू इंक्रीज. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस एज डिमांड फॉर द लेबर राइजेस. बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस टेंड टू इंक्रीज. So none of the above. So बताइए बच्चा पार्टी, क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? Which of the following does not occur during expansion? बताइए बताइए. एक्सपेंशन के फेज में भैया, एक्सपेंशन के फेज में कस्टमर ज्यादा परचेस करते हैं, हाँ. एक्सपेंशन के फेज में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, हाँ. एक्सपेंशन के फेज में प्रॉफिट एंड कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस, हाँ. तो फिर नन ऑफ द अबव आंसर है, यस, नन ऑफ द अबव आंसर होगा इसका. सो डी फॉर डागा टेन, राइट. ओके, अमेजिंग. चलिए चलिए, ग्रेट, अमेजिंग. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टिपिकल बिजनेस साइकिल? इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस. इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय राइजिंग इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड स्टैगफ्लेशन इज फॉलोड बाय इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक ग्रोथ. सो बच्चा पार्टी, बहुत ही अमेजिंग सवाल है, बहुत ही अमेजिंग सवाल है. सो बताइए टिपिकल बिजनेस साइकिल कैसी होती है? सो इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन इज द राइट आंसर. ए फॉर रखी भैया. अरे भैया, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन आता है ना? तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद तो एक्सपेंशन ही आएगा ना, राइट? बच्चा पार्टी यहां पर इंटरप्रिट नहीं कर पाता है क्वेश्चन. सर ये तो इतना इजी था, मेरे को आता था ये, लेकिन मैंने ऐसे सोचा ही नहीं, मैंने कुछ और सोचा. ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट? यस, ओके. ड्यूरिंग रिसेशन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट डैश एंड आउटपुट डैश. ड्यूरिंग रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या होगा और आउटपुट का क्या होगा, बताइए. सोच समझकर. सो अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन में ज्यादा हो जाएगा एंड आउटपुट नीचे हो जाएगा. मतलब यहां पर ए फॉर रखी भैया, अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस एंड आउटपुट फॉल्स. अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस एंड आउटपुट फॉल्स. आर यू गेटिंग इट एवरीवन? यस. चलिए आगे बढ़ते हैं. द फोर फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आर एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, थ्रॉग. Contraction, expansion, throg and boom. Expansion, contraction, peak and throg. And peak, depression, burst and boom. Yes. बताइए. Everyone. क्या होगा सही जवाब? एक्सपेंशन, पीक, कंट्रैक्शन, थ्रॉग. बिल्कुल सही जवाब.
बिल्कुल 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 सही जवाब। लेकिन 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 बच्चा पार्टी, मेरे को यह कहने का है, यहां पर एक्सपेंशन है, यहां पर भी एक्सपेंशन है, राइट राइट, यहां पर पीके, यहां पर भी पीके, यहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन है, यहां पर भी है, यहां पर भी थ्रॉग है, यहां पर भी थ्रॉग है। तो ऐसा कैसा एग्जाम्पल दिया भाई इन्होंने, ये ऐसा कैसा दिया इन्होंने। बट कोई नहीं, अपन अभी इसको ऐसा ही कर सकते हैं कि भाई पहले एक्सपेंशन हुआ, फिर पीक हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर थ्रॉग हुआ, ऐसा ही समझना पड़ेगा। मतलब ये थोड़ा सा गलत हुआ है, ये थोड़ा सा गलत हुआ है, मतलब ठीक है, कॉमा नहीं है सर बीच में, सी इज रॉन्ग सर। क्यों सर कॉमा नहीं है बीच में सर? तुम लोग कितना मतलब अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। मतलब प्रूफ करने के लिए तुम लोग किसी भी हद तक जा सकते, सर कॉमा नहीं था बीच में सर। भाई साहब ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, दूसरा आंसर होना चाहिए था यहां पर, ये कुछ तो चेंज करो इसमें, ये भी सही है, ये भी सही है, फोर फेजेस ही पूछे ना, लाइन में थोड़ी ना पूछा है। तो अभी तो अपन लिखते ए, लेकिन तुमको एग्जाम में ये चेंज कर कर देंगे, ठीक है। उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि कुछ तो गलती हो गया अपने से। ओके चलिए, तो अपन सीक्वेंस के हिसाब से कर देंगे ए वाला आंसर, ठीक है। यस, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर यूज टू फोरकास्ट प्रोबेबल शिफ्ट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी, आर जनरली यूज टू फोरकास्ट द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, आर द इंडिकेटर्स ऑफ द स्टॉक प्राइसेस एग्जिस्टिंग इन इकोनॉमी, आर द इंडिकेटर्स प्रोबेबल रिसेशन एंड डिप्रेशन। तो बच्चा पार्टी यहां पर मुझे बताइए कि लीडिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ द स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस, राइट राइट। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, आर जनरली यूज टू फोरकास्ट द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, ये पहले ही करते हैं हम लोग ना, पहले ही करते हैं। बी बी इज गोना बी द राइट आंसर, बी इज गोना बी द राइट आंसर, इट इज मोर अप्रोप्रिएट, इट इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। यस, तो यार क्योंकि ये पहले ही समझ जाता है कि अभी टर्न आने वाला है, तो बिफोर द इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंजेस, तो ये होगा When the aggregate economic activity is declining, the economy is said to be in, यार when it is declining, it is said to be in contraction. When it is declining, it is said to be in contraction, 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 right? Yes. Peaks and troughs of the business cycle are collectively known as. बताइए बच्चा पार्टी, ये बड़ा ही amazing question है, यहां पर मैं accident कर देता हूं, यहां पर generally बच्चे लोग accident करते हैं। बच्चा पता है क्या करता है यहां पर, बच्चा यहां पर जनरली कह देता है वोलेटिलिटी, या फिर कह देता है बिजनेस साइकिल इवेंट्स, लेकिन वो होते हैं टर्निंग पॉइंट्स, पीक एंड थ्रॉक, वो वहां से टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यहां पर एक्सीडेंट वाला सवाल, ये इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट सवाल है और मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट सवाल है। द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इज, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट राइज, इंटरेस्ट रेट राइज, इंटरेस्ट रेट फॉल। अब इससे क्या, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो मेरे हिसाब से तो राइज राइज को तो खत्म कर दो, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट फॉल्स, मनी सप्लाई इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ऑल्सो राइजेस एंड एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो राइज। इंटरेस्ट रेट फॉल, मनी सप्लाई इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू फॉल एंड एग्रीगेट डिमांड टू फॉल। कुछ गलत लग रहा है मतलब, ठीक है। So probable outcome of the increase in the money supply is, outcome पूछा है, money supply है, तो interest rate rise, investment spending rise, aggregate demand to rise, interest rate rise, investment spending fall, ठीक है, and aggregate demand fall. So B is gonna be the right answer. क्या होगा इसका answer? ये देखो, ये बड़ा ही इन्होंने क्या किया है, confusa किया है अपने को, confusa, ठीक है, एक second, इन्होंने हम लोगों को confuse किया है बच्चा पार्टी answer में। तो द प्रोबेबल, द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज, अच्छा मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग राइज होगा, एग्रीगेट डिमांड राइज होगा। यस, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो मतलब अगर मनी का सप्लाई, हमारी चेन याद रखना,
हमारी चेन याद रखना, क्या है चेन? मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ? मनी सप्लाई क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इसलिए मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और यहां पर डिमांड बढ़ेगी। तो दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द एब्सोल्यूटली राइट आंसर, राइट? ओके, सो यहां पर बच्चा पार्टी इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है? दो बार पढ़ना है ऐसे वाले सवाल को, दो बार पढ़ना अच्छे से, कोई भी गड़बड़ मत करना। तुम्हारा दो घंटे का पेपर एक घंटे में हो जाएगा, तुम्हारे पास समय ही समय रहने वाला है, तो शांति से पेपर पढ़ने का है, शांति से, ठीक है? नहीं बेटा कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है कृष्णा? अरे एक दो बार क्या गलती हो गई, तुम लोग हमेशा इंस्टीट्यूट को बोले कि गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है वो। हाँ, जहां पर गड़बड़ है वहां पर मैं बोल दूंगा, बिना फालतू मत बोलो यार हर क्वेश्चन में गड़बड़। नो, इट इज राइट, मजाक हो रहा है, मतलब एक दो गलती क्या कर दी तुम लोग, तो हर एक इसमें इंस्टीट्यूट को नाम रख रहे हो यार, अपने आप को संभालो बेटा। हाँ, चेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल्स हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन वेलबीइंग ऑफ द सोसाइटी, यस। बिजनेस साइकिल अकर पीरियडिकली ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट सेम रेगुलरिटी, यस। बिजनेस साइकिल हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस, नो दे आर, दे डोंट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स यार, ठीक है? दे आर कॉन्टिजियस एंड अनप्रेडिक्टेबल, यस। तो ये फीचर्स पर सवाल है, फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोगों ने पूरे फीचर्स के सारे पॉइंट देखे थे और हर एक पॉइंट एमसीक्यू था, जी हाँ हर एक पॉइंट एमसीक्यू था, हर एक पॉइंट, राइट? यस। इकोनॉमिक रिसेशन शेयर्स ऑल ऑफ दिस फॉलोइंग एक्सेप्ट, अब रिसेशन आ रहा है तो फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम ऑफ द वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज एडवर्सली अफेक्टेड एंड न्यू इन्वेस्टमेंट मे नॉट बी फोर्थकमिंग एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द आउटपुट इनपुट ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर इनपुट्स। तो बच्चा पार्टी रिसेशन में ये नहीं होता है, ये होता है एक्सपेंशन के फेज में, ये होता है एक्सपेंशन के फेज में, तो ये वाला आंसर यहां पर गलत होगा, ठीक है? ये नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जनरली जब एक्सपेंशन होते रहता है, एक्सपेंशन होते रहता है, तो सारे इनपुट्स की प्राइसेस बढ़ जाती है, तो फिर वो पीक पर चले जाता है। ये बात कर रहे हैं रिसेशन की, तो रिसेशन में ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है, ये नहीं होता है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है एवरीवन? ओके, अमेजिंग। द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकल्स डू नॉट हैव द सेम लेंथ एंड सिवियरिटी, करेक्ट। एक्सपेंशन फेज ऑलवेज लास्ट मोर देन 10 ईयर्स, ये किसने कहा? ये किसने कहा? ऑलवेज, ऑलवेज 10 साल, लास्ट मेनी ईयर्स एंड आर डिफिकल्ट टू गेट ओवर द शॉर्ट पीरियड्स एंड नन ऑफ द अबव। द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स डू नॉट एग्जिबिट द सेम लेवल ऑफ लेंथ एंड सिवियरिटी, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है? किस? किस? हाँ सर, आपने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ये फिक्स्ड पीरियड नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा, मैंने चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों से रिवीजन किया था। दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम लेंथ, दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम सीवियरिटी, द सीवियरिटी में चेंज हर सेक्टर में अलग अलग होता है, कोई सेक्टर में ज्यादा समय तक होता है, कोई सेक्टर में कम समय तक होता है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि मैंने फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्ट किया था, 3 साल के बाद, 3 साल तक डिक्लाइन कर रहा था, मैं इन्वेस्ट कर रहा था और नीचे गया, इन्वेस्ट कर रहा था और नीचे गया, इन्वेस्ट कर रहा था और नीचे गया, फिर एकदम ऐसा ऊपर गया। तो यहां पर हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक्चुअल में कितने साल तक के लिए रहेगा, ठीक है? यस, राइट, ओके, अमेजिंग। और मैंने ये भी कहा था ना, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं आईटी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या आईटी, राइट? क्यों पता नहीं, मतलब मेरे को लगता है 30% नीचे गिरा है, मेरे को लगता है कि अभी जाना चाहिए ऊपर, और भी नीचे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा, ठीक है? हमारे पास क्या बेटा, थोड़ा थोड़ा पैसा है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? ओके, चलिए, ऑसम। ट्रेंड एनालिसिस बताया था मैंने, ट्रेंड एनालिसिस, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ को इंसिडेंट इंडिकेटर. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, रिटेल सेल्स एंड न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट. सो ये न्यू ऑर्डर्स एंड प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, मैंने मेट्रो का एग्जाम्पल दिया ताकि मेरे को ऑर्डर मिली है, 10 साल की ऑर्डर मिली है, 5 साल की ऑर्डर मिली है, और ये होगा तुम्हारा लीडिंग इंडिकेटर. तो ये लीडिंग इंडिकेटर है, तो ये एग्जाम्पल नहीं है को इंसिडेंट का. दैट्स इट, दैट्स इट. यस यस, समझ में आ भी गई, समझ में आ गई. कितना आसान है भैया, कितना 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 आसान है. राइट, ऑसम. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैश, ट्रेड साइकल्स अकर ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशन. अकॉर्डिंग टू हॉटरे, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, अकॉर्डिंग टू जे एम केन्स एंड अकॉर्डिंग टू शुम्पिटर. तो इनोवेशन के बारे में सुम्पिटर 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 सांपुतर. ठीक है, इनोवेशन है भैया, इनोवेशन तो सुम्पिटर होगा, सुम्पिटर सांपुतर शुम्पिटा. राइट, ओके, ऑसम. ये तो मतलब सारे के सारे इकोनॉमिस्ट के नाम हम लोगों ने लर्न कर लिए थे, बहुत अच्छे से लर्न कर लिए थे. ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर वन वन स्ट्रोक सॉल्यूशन टू चेक द फेज ऑफ इकोनॉमी. इंडिकेटर्स शोइंग द मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी. सम एक्टिविटीज विच प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, जस्ट एन इल्यूजन. ओ माय गॉड, इकोनॉमिक इंडिकेटर को इल्यूजन बोल दिया उन्होंने, इल्यूजन कह दिया डायरेक्टली, मजाक हो रहा है. मतलब कुछ नहीं बोले, इल्यूजन है, इल्यूजन है, इल्यूजन है भाई साहब. खतरनाक, खतरनाक, खतरनाक. तो क्या होगा सही जवाब बताइए. वन स्ट्रोक सॉल्यूशन टू चेक द फेज ऑफ इकोनॉमी, इंडिकेटर्स शोइंग द मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी, सम एक्टिविटीज विच प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी. ये इंडिकेटर्स जो है ये डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं. कौन से इंडिकेटर्स, जैसे कि लैगिंग इंडिकेटर प्रेडिक्ट करता है कि नीचे जा रहा है, लीडिंग प्रेडिक्ट करता है कि ऊपर जा रहा है. ठीक है, तो ये अपने को डायरेक्शन देते हैं. कोइंसिडेंट बोलता है कि हाँ कहां पर जा रही है, तो ये अपने को डायरेक्शन के लिए हेल्प करती है. क्या, इंडिकेटर, इंडिकेटर के बारे में पूछा गया है. राइट, यस. विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल, लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट एंड ऑल ऑफ द अबव. विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल. बच्चा पाटी, बहुत ही अमेजिंग सवाल है ये, बहुत ही अमेजिंग सवाल है. बताइए इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही अमेजिंग सवाल है ये. श्योर हो बच्चा पाटी, श्योर हो, श्योर हो, डी, यस. तो बेटा यार, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त खेला है तुम्हारे फीलिंग्स के साथ. बच्चा पार्टी यहां पर एक तो लीडिंग लिखेगा, लैगिंग लिखेगा या कोइंसिडेंट लिख सकता है. तो यहां पर क्या पूछा है, कोई स्पेसिफिक चीज पूछी नहीं. विच ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर इज इक्वल टू प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट, दैट्स इट. और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है. मतलब नो स्पेसिफिक थिंग कि बिफोर हुआ है या आफ्टर हुआ है या साइमल्टेनियस हुआ है, ऐसा कुछ पूछा है नहीं. बिफोर होता था तो लीडिंग होता था, आफ्टर होता था तो लैगिंग होता था, साइमल्टेनियस होता था तो कोइंसिडेंट होता था. तो मतलब इन्होंने तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेला है. ठीक है, बच्चा क्या बोलता है, बच्चा बोलता है कि चल यार समझ नहीं आ रहा है, लीडिंग लिख देते हैं, लैगिंग लिख देते हैं, कोइंसिडेंट होगा. ठीक है, बिफोर आफ्टर नहीं है, मतलब कोइंसिडेंट होगा. तो ये ऑल ऑफ द अबव है, ये ऑल ऑफ द अबव है, ऑल ऑफ द अबव. राइट, राइट. बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज. व्हाट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब द इकोनॉमी वेयर द गवर्नमेंट इज इन द पोजीशन ऑफ मेजर असेट्स, द इकोनॉमी वेयर द प्राइवेट फर्म्स कंट्रोल मेजर असेट्स, द इकोनॉमी वेयर द डिसीजंस ऑफ द प्रोडक्शंस आर टेकन बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, द इकोनॉमी वेयर द प्राइस इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. देखो बच्चा पार्टी, फ्री बोला है तो, फ्री बोला है तो कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है. फ्री बोला है तो डिसीजंस ऑफ द प्रोडक्शन टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है. पोजीशन गवर्नमेंट के पास है तो कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है. तो आंसर डेफिनेटली क्या होगा, बी आना चाहिए, आंसर बी आना चाहिए. अब देखो भैया, डिमांड से भी कुछ सवाल आया था यहां पर, और ये देखो चैप्टर नंबर 1 से भी कुछ सवाल आ रहे हैं यहां पर. डिमांड से भी एक सवाल आया था लेफ्टवर्ड शिफ्ट वाला, कि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग अगर कम की तो डिमांड अपना कहां पर जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. आया था कि नहीं आया था, आया था, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, आया था. और यहां पर ये लोग पूछ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से सवाल, तो तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल चाहिए, तुम लोग फोड़ कराओगे एग्जाम में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
बिजनेस साइकल्स लार्जली अफेक्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, बिजनेस साइकल्स लार्जली अफेक्ट स्मॉल एम्प्लॉइज, बिजनेस साइकिल जनरली अफेक्ट ऑल सेक्टर्स बट बिजनेस सेक्टर इन पर्टिकुलर एंड बिजनेस साइकिल अफेक्ट लो वेजेस वर्कर्स। हो ये वाला सवाल एकदम अमेजिंग है, जहां पर ये थोड़ा सा तुम लोगों को कंफ्यूज कर देगा, कंफ्यूज। अब जो इंसान बोलेगा, क्या जो इंसान को लगता है, नहीं सर सर बड़े लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर, आपको पता है ये सब कुछ फर्क ना सिर्फ और सिर्फ लो वेजेस वर्कर्स को पड़ता है सर, सर बड़े लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर, स्मॉल एम्प्लॉयज जो होते हैं ना उनको फर्क पड़ता है, मेरे को तो लगता है सर बी होगा। नहीं 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 सर, ये तो सूट बूट वाले लोग, कॉर्पोरेट वाले जो है ना, कॉर्पोरेट वाले, हाँ अदानी अंबानी, ठीक है फिर कौन, अदानी अंबानी बिरला सर, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर, एग्रीकल्चरल सर, एग्रीकल्चरल सेक्टर को फर्क पड़ता है। हाँ सर एग्रीकल्चर को फर्क पड़ता है सर। लेकिन बच्चा पार्टी, इट जनरली अफेक्ट्स ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ये सही जवाब है, बट बिजनेस सेक्टर इन पर्टिकुलर। मैंने इसका आप लोगों को, मैंने आपको इस लोगों का इसका फीचर्स में बताया था कि इट अफेक्ट्स ऑल द सेक्टर्स, ऑल द सेक्टर, बट कैपिटल वाले थोड़े ज्यादा अफेक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि खाना पीना तो बंद नहीं होगा ना, मैंने आपको बताया था खाना पीना तो बंद नहीं होगा ना, ये मैंने आपको बताया था, राइट यस। तो कोविड में खाना पीना बंद नहीं हुआ था, लेकिन सारे एम्प्लॉयमेंट ये फैक्ट्री बंद हो गए थे, राइट यस। चलिए जबरदस्त वाला सवाल है, ऑसम वाला सवाल है बच्चे, जो उनके अंदर ये होता है ना फीलिंग्स होती है ना, वो यहां पर निकाल देते हैं। लो वेजेस वर्कर सर, स्मॉल एम्प्लॉय सर, स्मॉल एम्प्लॉयज, एग्रीकल्चर सर, एग्रीकल्चर सर, ठीक है सर। एमटीपी सीरीज 1 और 2 कहां पर मिलेगा, आईसीएआई की वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है बीओएस पोर्टल पर मिलेगा। तुमको यही नहीं पता क्या अभी तक, मतलब बुक कहां पर मिलता है तुम्हारा एमटीपी वगैरह का, कैसे बच्चे हो गए दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो, यह भी नहीं पता। चलिए According to Keynes, fluctuation in the economic activities are due to fluctuations in the aggregate effective demand, innovation, changes in the money supply and agricultural output. Keynes, demand के बारे में बात करते हैं यार, aggregate effective demand. Keynes जी को कैसे भूल सकते हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाएंगी बेटा, लेकिन Keynes को नहीं भूलना है, हम लोग तो economist हैं, ठीक है हम लोग economics के बच्चे हैं, economics के बच्चे अगर Keynes को भूल गए, Adam Smith को भूल गए, Alfred Marshall को भूल गए, तो कैसा चलेगा, ठीक है कैसा चलेगा बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो यस, जिंदगी में कुछ भी हो जाए तुम लोग Keynes को नहीं भूल सकते हो, राइट यस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। सिंपल सवाल, सिंपल सवाल, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है बताइए बच्चा पहाड़ी, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली यार मैंने क्या बोला था, किसी का नाम पूछा यहां पर नहीं, तो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो सकता है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा था इन्वेस्टमेंट, कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा था स्पेंडिंग, Keynes ने कहा था एग्रीगेट डिमांड, सबसे होता है, सबसे होता है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, डन 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 डन। So, बजा वाड़ी, we are done with this, और यहां पर इन्होंने कुछ MCQs जो नहीं पूछे हैं लेकिन आ सकते हैं, मैंने आप लोगों को समरी में से बहुत सारे मैंने अंडरलाइन करवा कर दिए थे। देखो बच्चा पार्टी, इस Keynes पर सवाल इंस्टीट्यूट ने पूछा है, जी हाँ अभी पूछा था ना, ठीक है फिर सुमपुत्र के बारे में पूछा है, पूछा है, लेकिन आप लोगों को पिगाव के बारे में भी सवाल आ सकता है, स्कैनर में दिया गया है, हॉट रेपर भी सवाल आ सकता है, स्कैनर में दिया है, अक्की भैया की टेस्ट में तुमको आएगा, हॉट रेपर अक्की भैया की टेस्ट में तुमको आएगा पिगाव पर, ठीक है। तो यहां पर एंटिसिपेशन, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म एंड प्योरली मॉनिटरी फेनोमेना, मॉनिटरी फेनोमेना, सप्लाई ऑफ द मनी, ये किसने कहा था, हॉटरे जी ने कहा था, हॉटरे जी ने, ठीक है। तो यहां पर बच्चा पार्टी, ये सारे ऐसे भी सवाल कुछ आ सकते हैं, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस एज वेल, ठीक है। थैंक यू सर इन जेठालाल स्टाइल, ठीक है बेटा क्रिश शर्मा जेठालाल।
थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ ओके चलिए, सो गाइस वी आर डन विद दिस। ये आसान है, और कुछ सवाल नहीं पूछे हैं। मैं आपको बताता हूं क्या सवाल नहीं पूछे हैं, ठीक है, क्या सवाल नहीं पूछे हैं, लेकिन आ सकते हैं। मैं पूछूंगा तुमको टेस्ट में, पहले ही बता रहा हूं, मैं तुमको टेस्ट में पूछने वाला हूं। किस पर पूछूंगा? इस पर सवाल पूछूंगा मैं तुमको टेस्ट में, इस पर। मतलब मैं आपको यहां से तीन चीजें दूंगा और यहां से एक चीज दूंगा और आपको बोलूंगा ऑड मैन आउट बताओ, ठीक है। इस पर मैं आपको सवाल पूछूंगा जो यहां पर नहीं पूछा गया है। मैं आपको पूछूंगा कि वॉर मतलब कौन सा फेज आता है, ये कॉन्ट्रैक्शन आता है। मैं आपको पूछूंगा पोस्ट वॉर मतलब कौन सा आता है, रिकवरी आता है, ठीक है। तो मैं इस पर आप लोगों को सवाल डेफिनेटली पूछ सकता हूं, बिल्कुल पूछ सकता हूं। और इतना ही नहीं, मैं आपको इंडिकेटर्स पर भी सवाल पूछूंगा, ठीक है, इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स पर सवाल पूछूंगा, ठीक है। और इतना ही नहीं बेचा पार्टी, इस पर भी सवाल पूछेंगे हम लोग, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन में जीडीपी कितने परसेंट से नीचे गया था, 15% से नीचे गया था, ठीक है, 15%। इतना ही नहीं बचा पार्टी, उन्होंने सिर्फ आपको न्यू ऑर्डर्स पर सवाल पूछा है। हाँ, मैं आपको इस पर भी सवाल पूछ सकता हूं, इस पर भी सवाल पूछ सकता हूं। इस पर उन्होंने पूछा है, जी हाँ, इस पर भी उन्होंने पूछा है, जी हाँ, मैं आपको इस पर भी पूछ सकता हूं। आपको समझ में आ रहा है कि कितने सारे पॉसिबिलिटीज हैं? सर आप पेपर रिवील कर देते हो, बचा पार्टी में पेपर रिवील तो कर देता हूं, इसलिए तुमको याद रहेगा और तुम लोग अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। दैट्स द यू नो, जब मैंने बोल दिया ना एग्जाम में आएगा या फिर मैं पूछने वाला हूं टेस्ट में, तुमको याद रहेगा। और मैं तो यही चाहता हूं ना कि तुम गलतियां ना करो, तुम लोग अच्छा स्कोर करो, अच्छे नंबर लेकर आओ, राइट। यस, सो बचा पार्टी जाने से पहले इतना ही कहना चाहेंगे, ये तो बहुत ही जबरदस्त हो रहा है, ये सीरीज तो बहुत ही जबरदस्त हो रही है। ऐसा ही अगर तुमको और भी अच्छा स्कोर करना है और भी अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो बचा पार्टी डेफिनेटली यू हैव टू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यहां पर 1400 एमसीक्यूज होने वाले हैं। जी हां, यहां पर तुम लोग जा सकते हो, सीए इस कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, फाउंडेशन को यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो, और आप लोग को यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पर करना होगा टिक। जैसे ही आप लोग यहां पर करते हो तो आपके सामने लाइट प्लस एंड आइकॉनिक होगा। लाइट में ओनली एंड ओनली टेस्ट सीरीज, लेकिन यहां पर आरटीपी एमटीपी होगा, यहां पर टेस्ट सीरीज होगा। यहां पर अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस, कोई भी बैच देख सकते हो सीए फाउंडेशन की। इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स पढ़ाते हैं, इनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, और यहां पर कुछ चीजें मिलती है एक्स्ट्रा, जैसे कि मेंटरशिप, इंटरेस्ट स्टडी मटेरियल एंड डाउट सॉल्विंग। आप लोग यहां पर कोड अप्लाई कर सकते हो मेरा, और देखना यहां पर द मैजिक हैपेंस एंड द प्राइस रिड्यूसेस ओवर हियर, और सारी प्राइजेस हो जाएंगी एकदम देखना यहां पर रिड्यूस हो जाएंगी सारी की सारी प्राइजेस। यस, एंड बचा पार्टी ये आपको रोज अटेंड करने हैं लेक्चर्स, ये फ्री लेक्चर्स है सारे। 2 महीने का सब्सक्रिप्शन 8,100 रुपया है, 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 22,950 है। आप लोगों का एग्जाम कब फॉल होता है उस हिसाब से लीजिए। 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली यू कैन गो फॉर इट इफ यू आर डिसेंबर स्टूडेंट। आपको लगता है कि नहीं भैया, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं फाउंडेशन इंटर सब कुछ बाहुबली टीम से पढ़ने वाला हूं, तो बेटा गो फॉर दिस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। फाउंडेशन का काम हो जाएगा, इंटरमीडिएट का काम हो जाएगा। देखो यहां पर प्राइजेस बहुत ही रीजनेबल है, मार्केट से कंपेयर कर लो, बहुत 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 रीजनेबल है। टीचर्स तो तुम्हें पता ही है कैसे पढ़ाते हैं, जस्ट गो फॉर इट। इफ यू वांट टू गो फॉर आइकॉनिक और लाइट, यू कैन थिंक अबाउट इट एंड जस्ट गो फॉर इट। बट डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड DAGA10, DAGA10 इज द कोड। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। यस, सो थैंक यू सो मच स्टार्टअप, सी यू सून इन द इवनिंग एट 4 PM।